नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव अब अपनी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश के साथ अब अगले एक महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, इस पर बात करेंगे कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, और सूर्य का राशि परिवर्तन अगर आपके लिए शुभ नहीं है तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्याएं ना हो। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और जानेंगे कि आज के दिन की सावधानियां क्या हैं, आज के दिन की भविष्यवाणी क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको हम कहते हैं संक्रांति। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कहा जाता है मीन संक्रांति। मीन राशि जो है ये बृहस्पति की जलीय राशि है और इसमें जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो इसके विशेष परिणाम पैदा होते हैं। क्या परिणाम होते हैं? बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आती है, लोगों के मन में बेवजह के तनाव पैदा होते हैं। इन सब कारणों से और ज्योतिषीय कारणों से इस एक महीने तक जब तक सूर्यदेव मीन राशि में रहते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इसीलिए इस समय को मीन मलमास या मीन खरमास भी कहते हैं। सूर्य देव 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस बार जो मीन खरमास है या मीन मलमास है वो 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक रहेगा। इस समय में कोई भी नया शुभ और मंगल कार्य आप नहीं कर सकेंगे, खास तौर से विवाह करने पर इस समय में विशेष प्रतिबंध होगा। सूर्य की मीन संक्रांति पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आज आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी और आपके जीवन में इस समय बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में अपने शांति बनाए रखिएगा और महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन आपके रुक सकते हैं, थोड़ा अलर्ट रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा और जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई बहुत बड़ी समस्या इस समय आप हल कर लेंगे। नौकरी में आपके बदलाव के और राहत के संकेत बने हुए हैं और आज आपके स्वास्थ्य में, आपके मन में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि इस समय कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं और कौन से शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए,
सूर्य जितने दिन तक मीन राशि में रहेंगे उतने दिन तक विवाह करना वर्जित होगा, इस समय विवाह नहीं किया जा सकता। इस समय आप नए मकान का निर्माण भी नहीं कर सकते, वैसे तो संपत्ति खरीदनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर रजिस्ट्री की मजबूरी है तो रजिस्ट्री तो एक बार कर भी सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश करना या मकान का निर्माण करना इस समय सही नहीं होगा। नया व्यवसाय नहीं शुरू करेंगे और इस समय नए काम का आरंभ भी आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्य जो मंगल कार्य हैं, जैसे द्विरागमन है, गौना कहते हैं, कर्ण वेद है, कान छेदना है और मुंडन जैसे शुभ काम भी इस समय पे मना होंगे। कौन से काम किए जा सकते हैं? अगर प्रेम विवाह का मामला है या स्वयंवर का मामला है तो विवाह निश्चित रूप से किया जा सकता है। जो काम नियमित रूप से हो रहे हों, आप उस काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी का निर्माण चल रहा हो, आपने पहले से शुरू किया हो तो वो काम आगे चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीमांत, जात कर्म और अन्न प्राशन ये निश्चित समय पर होता है, इसलिए अगर ये निश्चित समय मीन संक्रांति में पड़ता है, मीन खरमास में पड़ता है, तो ये भी किया जा सकता है। यानी मोटे तौर पे जो काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इसी समय में पड़ेंगे, वो भी आप करेंगे, और जो काम पहले से किए जा रहे हैं वो भी काम इस समय में किए जा सकते हैं। मुख्यतः मीन खरमास में विवाह करना सबसे ज्यादा मना होता है। किस राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा होगा उसको जानेंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं। सिंह राशि, करियर के मामले में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है, धन के खर्चे इस समय आपके बढ़े रहेंगे, संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपको हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे, इस समय जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना चाहिए। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता इस समय आपको मिल सकती है और जो आपके काम में रुकावट चली आ रही थी वो रुकावट भी इस समय आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम चार राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य देव जो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश का किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस राशि के लिए परिवर्तन शुभ होगा और किस राशि के लिए अशुभ होगा। देखिए, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, इनके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। वृषभ राशि, मिथुन राशि,
तुला राशि और मकर राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कुल मिला के अच्छा रहेगा। वृष, मिथुन, तुला और मकर के लोगों को इससे लाभ होगा। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनको सेहत की समस्या परेशान कर सकती है। अब सूर्य का ये राशि परिवर्तन अगर आपके लिए अच्छा नहीं है, या सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से आपको समस्या हो सकती है, तो क्या उपाय किए जाएं जिससे सूर्य के इस राशि परिवर्तन से दिक्कत ना हो। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए अगले एक महीने तक। नित्य प्रातः हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िए। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। और ज्यादा सोना धारण करने से बचाव करिए, खास तौर से जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को इस समय ज्यादा सोना धारण नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम चार राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपके नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन्हें फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल देना बेहतर होगा। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, काम का प्रेशर, काम का दबाव अभी बना रहेगा। धन प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपको आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और आपका आर्थिक पक्ष भी अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल सुबह के समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।